मुमरा के रहने वाले शादाब शेख ने एक महिला के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हुए देह व्यापार का आरोप लगाया है। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद शादाब शेख जांच की बात कर रहे हैं। दरअसल किस्मत कॉलोनी में स्टमीम अपार्टमेंट से बिल्कुल लगकर डिलक्स चौल है और इस चौल में रहने वाली फहमीदा और अफसाना और कई महिलाओं से शादाब शेख का दो दिन पहले विवाद हो गया था। यहाँ तक कि मारपीट हुई थी और शादाब शेख हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे। विवाद की वजह यह है गंदगी। शमीम अपार्टमेंट इमारत का जो ड्रेनेज लाइन है ये लीकेज है और पूरा गंदा पानी टॉयलेट सब डिलक्स चौल में रहने वाले लोगों के घरों के सामने बहता है। तस्वीरों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे इस गंदगी में रहने को ये लोग मजबूर हैं। चौल में रहने वाली महिलाओं ने इमारत में रहने वालों को बनाने के लिए भी कहा तो उन्हें बताया गया कि शादाब शेख ने बनाने के लिए इमारत में रहने वाले लोगों से पैसे लिए हैं, जिसके बाद इन लोगों ने शादाब शेख की वाइफ से बातचीत की कि आखिर शादाब शेख ने जब पैसे लिए हैं तो आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, और इसी वजह से ये विवाद हुआ और मारपीट हुआ। इस मारपीट के बाद शादाब शेख हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और इस दौरान मीडिया में शादाब शेख ने एक बयान दिया इस पूरे विवाद को लेकर और एक महिला का नाम लेकर उस पर देह व्यापार का आरोप शादाब शेख ने लगाया है। इस पूरे मामले में डिलक्स चौल में रहने वाली फहमीदा और अफसाना ने क्या बताया है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद शादाब शेख ने भी क्या आरोप लगाया है वो भी आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले सुनिए फहमीदा और अफसाना ने किस तरह से यहाँ पर गंदगी है उनके घरों के सामने और शादाब शेख ने जो आरोप लगाया है उस पर भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? अफसाना सैयद। यहाँ शादाब शेख से लेकर आपका जो विवाद हुआ है किस मामले को लेकर हुआ है? हम लोग का ये चेंबर को लेकर विवाद हुआ था। अच्छा, कब हुआ था ये विवाद? ये हम परसों के दिन 13 तारीख को। तो मारपीट भी हुई थी उस दिन? नहीं, उस दिन मारपीटी नहीं हुई थी, मुझसे गाली गलौज हुआ था। हम लोग उसके घर पे गए थे, उसकी औरत ने मिर्ची का पानी हम लोग के आंख पे डाली थी, फिर उसके बाद हम लोग ने चौकी में एनसी लिखाने गए तो उन लोग ने एनसी लिखा नहीं। लेकिन ये जो फूटा हुआ है बिल्डिंग का जो पाइप फूटा है, आप लोग बिल्डिंग वालों से बोलते नहीं कि इसको बनवाइए? नहीं, हम लोग बिल्डिंग में चढ़े थे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो बिल्डिंग वालों ने एक ही बात बोला, हम लोग ने शादाब को पैसा दिए हुए है बनाने के लिए। कितना? 1000-1000 रुपये हम लोग सब लोग ने दिए हुए बनाने के लिए शादाब को। तो शादाब से आपकी बात हुई? हाँ, शादाब से बात हुई थी, मतलब शादाब से हम लोग की बात नहीं हुई, उसकी औरत से हुई थी। उसकी औरत हम लोग को गाली गलौज करने लगी, किसको दम में बोले तोड़ के बताओ, मुंह मतलब गंदी गंदी गाली गलौज करने लगी थी। तो फिर हम लोग ने भी गाली, बिल्डिंग के लोगों ने क्या कहा कि इसका पैसा? बिल्डिंग के लोगों ने कहा है शादाब को हम लोग ने पैसा दिए हुए 1000-1000 रुपया, शादाब क्यों नहीं बना ये बिल्डिंग बनाने, अब उसको पता वो क्यों नहीं बना रहा। शादाब ने और भी कई तरह के इल्जाम लगाए हैं आप लोगों के ऊपर? बहुत सी तरीके से, क्या यहाँ पर चकला चलता है, एमडी का नशा होता है, चरस गांजा बेचते करके, तो हम लोग उसको बोला सबूत बताए। ऊपर से एक भाभी हमारे घर बाजू में जो नाज रहते हैं उनका नाम इसमें आया था, तो उसने क्या बोला कि वो नाज नहीं है, दूसरी तनवर की नाज है। तो तनवर की नाज है तो जब वो मेन है तो मेन चकला और वो चलाती है ना, तो उसको लाके खड़ा करे हम लोग के सामने, मैं कुछ तो मुद्दा उठाए ना, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे तो हम लोग को तो कुछ चाहिए ना। नाम लेके उसने कुछ ऐसा बोला? नाम लेके उसने भाई का नाम बोला, एक नाज नाम लिया था और उमर की बेटिया बोला था, यानी रिश्तेदार को बोला उनके, आप बोल रहे वो के रिश्तेदार है नाज, पहला नाज बोला था, नाज की गैंग चकला टीम पूरी चकला चलाती है, एमडी का नशा करती है, गांजा वगैरह। तो आप लोगों ने जब इसे बोला उसने तो आप लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह किए थे, और कैसे मालूम पड़ा आपको कि उसने ऐसा बोला? हम लोग ने मीडिया में देखे, हम लोग ने यूट्यूब पे वीडियो देखे हम लोग ने, तब जाके हमने आपको कॉल करके हमने डायरेक्टली आपको बोला। पुलिस में कंप्लेन वगैरह? पुलिस में कंप्लेन करके मतलब ही नहीं, उन लोग आते ही नहीं है हमारी कंप्लेन। हम लोग इसके पहले भी कंप्लेन, जब परसों के दिन मारम पीटी हुई थी ना तो हम लोग ने कंप्लेन डालने गए थे, तो सिर्फ कंप्लेंट लेके हम लोग को भेज दिए। आपके साथ भी मारपीट हुई? मेरे साथ मारपीट हुई। क्या नाम है आपका? फहमीदा सैयद। कैसे, क्या ये जिस तरह से यहाँ पर गंदगी है इसको लेकर आप लोग बिल्डिंग वालों से साफ सफाई के लिए बोले? हम लोग साफ सफाई के लिए बोलने गए थे, तो हमारे आंख पे
मिर्ची का पानी डाली है, प्लस किसने डाला था? उसकी वाइफ ने, शायद आपकी वाइफ ने। फिर हमारे पे चोरी का इल्जाम लगा, फिर आप बोलती है कि हम लोग चकला चलाते, जो चकला चलाने वाली नाज का उसने नाम लिया है, तो नाज को हम लोग बोलते हैं कि हमारे सामने ला। कौन है वो? कौन है नाज? तनवर में रहती है, उससे हमारे सामने लाई। अब बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है, किसी की इज्जत तुम उछाल रहे हो। मीडिया वाले को भी सोचना चाहिए ना वीडियो डालने से पहले कि मैं इसके इंक्वायरी लूं। नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए ये बात का, इस वजह से हम लोग ने आपको भी बुलाया क्या? हमको जो है जो बेबुनियाद तुम सच बोलो। शादाब का ऐसा भी कहना था कि शायद आप लोगों ने मारपीट किए थे, वो हॉस्पिटल में भर्ती था, नहीं दांत वगैरह भी काट लिया था। नहीं, तो इंसान जब आदमी औरत के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसके बचाव में औरत नहीं मारेंगी? जब आदमी लात मार रहा है, आदमी जाता उसके पेट पे उसके लात मार रहा है, पूरी मैक्सी उसकी फाड़ दिया है, तो औरत क्यों फेटेंगी? शायद आपके साले ने, क्या नाम उसका? उसका नाम नहीं पता है। आप लोगों ने किसी भी मामले को लेकर पुलिस में अभी तक कंप्लेन नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने कंप्लेन का पेपर क्रॉस मतलब क्रॉस करके छोड़ दिया। अच्छा। कुछ नहीं, ना आया ना कुछ, ना क्या। जब इसको मारा था, क्या एनसी हुई थी या एफआईआर, क्या हुआ? एनसी होता था, लेकिन कोई आया नहीं घर वालों पुलिस, कोई आया नहीं। ठीक, क्या नाम है चाचा आपका? सुहरत अली। ये आपके घर के सामने ही इतनी गंदगी है? ये शादाब शेख को बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि हमने पैसा दिया उसको बनाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं रहा है, उसके लेके विवाद भी हो गया, मारपीट तक हो गई बात। अब शादाब कभी बोलता है मैं ये हफ्ते में करा दूंगा, कभी ऐसे ऐसे बोलते बोलते है। जब वो उसको बोलता हूँ बोले कल परसों में हो जाएगा, हो गया है, ऐसी बात करते हो, लेकिन बना नहीं रहा है। नहीं बनाता, आज 3 साल से वो यही धोखा दे रहा है। चार साल से ऐसे ही, ऐसे ही। तो आप लोगों को यहाँ से आने जाने में तकलीफ नहीं होती? बाबू तकलीफ तो देख लो आप, कैसे घर में बैठ के तकलीफ होता है। अच्छा है घर में, और मेरी तो हालत ही है, मैं पैरिल कमरिए एक साइड पैरिलिस है मुझे। ऐसे में यहाँ इतनी गंदगी, बीमारी भी फैलने का डर है बाबू, बीमारी तो फैल ही रही है और क्या है। हालांकि शादाब शेख का कहना है कि उसने ये ड्रेनेज ठीक कराने के लिए इमारत में रहने वाले लोगों से पैसे नहीं लिए हैं। शादाब शेख ने इन लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है, साथ ही एक महिला पर देह व्यापार का आरोप नाम लेकर शादाब शेख ने लगाया था। और अब मामला मीडिया में आने के बाद शादाब शेख कह रहे हैं कि मैंने इस महिला को नहीं कहा, उस महिला को नहीं कहा। अभी भी ये महिला का नाम ले रहे हैं, मगर बोल रहे हैं कि वो दूसरी महिला है। खुद सुने शादाब शेख ने क्या कुछ कहा है। शादाब भाई, तनवर नगर में जिस इमारत में आप रहते हैं वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था महिलाओं से, क्या पूरा मामला था? महिलाओं से विवाद नहीं हुआ था, ये विवाद मैं 3 दिन पहले मैं प्लैटिनियम हॉस्पिटल अपने ससुर जी को भर्ती कर घर पर गया। 3 बजे गया तो वहाँ पर मेरी औरत के साथ उमर और उमर के दो बीवी और दो बच्चे वो गाली दे रहे थे। मैं बोला क्या बात है, क्यों गाली दे रहे हैं? तो समझा बुझा कर फिर मैं निकल गया, तो मेरे घर पर लोग घुसे। उसकी शिकायत मैंने पुलिस स्टेशन में एनसी किया था, शिकायत किया मैं वहाँ तक, ये बोला कि देखो ये लोग सही नहीं है और ये केली नशे में रहते हैं। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, गंदा अल्फाज नहीं बोल सकता, उनको महिलाओं का इज्जत सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। नहीं, उनके घर के सामने जो तिलक चाल है, हाँ, के घर के सामने जो आपकी इमारत है शमीमा पास में, हाँ, वहाँ से जो पाइप वगैरह है ये सब टूटे हुए हैं, पूरा गटर का गंदा पानी, टॉयलेट बाथरूम सब उनके घरों के सामने आ रहा है, तो इसके लिए उन लोगों ने आपसे जो है इमारत के लोगों से कहा इसे बनवाने के लिए, तो शायद इमारत के लोगों ने कहा कि शादाब भाई को पैसा दिया गया है और वो बनवा नहीं रहे, आपसे कहा गया तो आप बोलते हैं नहीं बनवाएंगे हम। देखो मैं न बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ न सेक्रेटरी हूँ, जैसे आम पब्लिक है वैसे मैं हूँ, और मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है। मेरे को ये लोग बिल्डिंग का जिम्मेदार बताते हैं, जिम्मेदार क्यों, मैं सोसाइटी तो है ही नहीं, झाड़ू का पैसा अलग दिया जा रहा है, सबका पैसा अलग दिया जा रहा है, और मैं यहाँ तक बोला था कि मेरे हिस्से का जो पैसा है वो आप लोग ले लो, किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति को खड़ा करो और बनवा लो।
जो महिलाएं हैं उन लोगों का कहना है कि इमारत के लोगों ने ऐसा उन्हें जानकारी दी कि आपने सभी से पैसा लिया है भाई बनाने के लिए। ये वहाँ पर जो है ना सब भाड़े वाले, चाली में जितने हैं सब भाड़े वाले हैं, ठीक है। ओनर आकर बात करे कि हमने किससे पैसा लिया, किससे क्या लिया, आपने लिया या नहीं लिया? नहीं लिया भाई पैसा, किसी से पैसा नहीं लिया, किसी से पैसा नहीं, किसी से पैसा नहीं लिया। और मेरे ऊपर परसों मैं सुबह बात करते हुए सीनियर साहब से मैं बात करते हुए जा रहा था कि अचानक मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं हार्ट पेशेंट और मैं वहाँ पर बेहोश हो गया, तो एरिया के लोग मेरे को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जिसके गुनाह दाखिल हुआ है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में, ये रही उसकी कॉपी। किसके किसके ऊपर आपने FIR दर्ज कराया? ये देखिए जो FIR दर्ज हुआ है, उमर है, उमर की औरत है और उसके दो बच्चे हैं, जो मेरे ऊपर हमला किए थे उनका मैंने किया, मेरे को किसी से बैर नहीं। ऐसी जानकारी मिली कि आपका एक साला है उसने भी महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया, कपड़े वगैरह फाड़ा? देखिए गलत बात है, टोटल गलत बात है। जो आप उन लोगों का ब्लेम तो लगाएंगे ही, क्योंकि उनको ये खतरा हो गया कि मैं कहीं मर न गया, मैं तो हार्ट पेशेंट था और हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, तो उस सिलसिले में अपने से बचने के, अपने को बचने के लिए वो लोग कुछ भी कदम उठाएंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब जो सही है और फैसले का पुलिस स्टेशन जांच कर रही है। आपने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जो है यहाँ पर नाम लेकर आरोप लगाया है आपने शायद कि यहाँ पर चकला चलाते क्या करते हैं, कुछ गलत इल्ज़ाम आपने लगाया है, तो किस बेस पे आपने लगाया है? देखिए मेरे कहने पर मत जाइए, बात जो है मैंने जो इसमें सम्मिलित थे उन्हीं का नाम लिया हूँ, और 3 बजे से अभी तो शायद ये लोग बंद कर देंगे, लेकिन कभी भी थोड़ा मैटर को ठंडा होने दो, 3 बजे से 5 बजे तक खुल्ला में खुल्ला लोग आते जाते हैं घर में, आप देख लीजिएगा। हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे कंपाउंड के हमारे बिल्डिंग के तो है नहीं है, हम उनसे बात भी नहीं करते, हमारा क्या उनसे लेना देना। लेकिन मेरे घर में घुसकर मेरी वाइफ का चैन छीना, चैन तोड़कर उसका पैंडल लिया गया और ज़बरदस्ती मारा गया, मैं हार्ट पेशेंट, कल को अगर मर गया होता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? मिर्ची का पानी वगैरह भी आप लोगों ने फेंका भाई, जब हमारे घर पर झूठ कर जाएंगे और लोग मार रहे हैं तो अपने बचने के लिए आदमी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर GR देखिए उठाकर कि अपने बचाव में आदमी क्या करेगा? नहीं, आपने जो गलत इल्जाम लगाया और नाम लेकर लगाया, दरअसल किसको कहा था आपने? देखिए ये नाज नाम की लड़की है जो कि बाहर से बुलाई गई थी, उन लोगों का वही पैसा ही है कि बाहर से बुलाना। कहाँ रहती है वो? तनवा नगर शायद रहती है। जब आपको मालूम ही नहीं कहाँ रहती है तो आप भाई अरे उनके रिलेटिव में है ना? किसके रिलेटिव में? उन्हीं के रिलेटिव में है उनके। और एक एक जो है उसके नीचे रहती है, उम्र पहले पैमाने पर रहता, उसके नीचे रहती है। तो आपने किसको कहा? अरे उसको ही कहा, नाज को। कौन सी नाज? अरे जो तनवा नगर में इधर आसपास में कहीं रहती है वो नाज है। आपको मालूम ही नहीं कहाँ रहते हैं? अरे उसके रिलेटिव है ना बाबा, रिलेटिव है तो मालूम नहीं है? रिलेटिव है वही, उमर के रिलेटिव है। उमर के रिलेटिव? हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हमारे रिलेटिव में कोई नाज नाम का है ही नहीं। अरे नाज नाम का रहे या ना रहे, कैसे रहे, मैं जो है जो मेरे को सुनने में आया कि उनके रिलेटिव है, मैंने वो बोला है। नहीं तो ऐसे सुन के आप किसी के ऊपर भी, किसी के परिवार के ऊपर भी आप चरित्र पर आरोप लगा दोगे? चरित्र पर जब मैं सकल से पहचानता हूँ ना, कि सकल से नहीं पहचानता, सकल से नहीं पहचानता, कोई पुख्ता सबूत है आपके पास? सकल से पहचानता हूँ ना। अरे सबूत के, जब मेरे को मारे तो क्या सबूत के? सबूत उस टाइम पे सबूत कोई नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, किसी के चरित्र पर, किसी के चरित्र पर, किसी के चरित्र पर आप आरोप लगा रहे हैं तो पर्सनल पर मत जाइए पत्रकार महोदय, पर्सनल पर मत जाइए। मैं पर्सनल नहीं बोला, पत्रकार महोदय पर्सनल पर मत जाइए। सबूत है आपके? सबूत है, सबूत। जब मैंने, जब मेरे को बेहोशी हालत में ले गए तो उस टाइम पर सबूत आपको ढूंढना चाहिए ना पत्रकार महोदय, पर्सनल पर मत जाइए आप। मैं तो पूछ ही रहा ना आपसे कि आपके साथ मारपीट हुई, आपने बताया ना वो चीज़? सारे पत्रकार हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर इंटरव्यू मेरा लिए, वहाँ पर जाकर आपको देखना चाहिए था, मेरे को आम पब्लिक उठा कर ले गई ना।
कि मेरे घर वाले उठा के ले गए हॉस्पिटल में। आप मैंने कब कहा कि आपको नहीं लेकर गए? हाँ तो मत नहीं तो आप बताइए ना कि किसको आपने कहा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जो भी है ना तफ्तीश चालू है, दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, जो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। यानी आप खुलासा नहीं करेंगे किसको बोला? और वो पुलिस का काम है, पुलिस खुलासा करेगी, जो जो दोषी है उसमें जाएंगे। इस पूरे मामले के बीच ये बात जरूर है कि शमीम अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को इस ड्रेनेज को ठीक कराना चाहिए, ताकि डिलेक्स चाल में रहने वाले लोगों के घरों के सामने से गंदगी हट सके। हालांकि दोनों तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की गई है।